हेलो एवरीबॉडी, नदीम नजर टेरिस गार्डन में एक बार मोस्ट वेलकम है आपका। आज हम जिस प्लांट्स की बात करेंगे उसका नाम है जो आपका है पर्पल हार्ट। इसका नाम है, और क्यों इसका नाम पर्पल हार्ट है, क्योंकि ये पर्पल कलर का होता है और इसके जो फ्लावर है एक्चुअली मॉर्निंग में होता है। मैं इवनिंग को वीडियोज बना रहा हूँ तो ये फ्लावर एकदम हार्ट की तरफ खिलता है। तो आप देख सकते हैं ये जो फ्लावर है वो हैंगिंग की तरह है, काफ़ी ऐसा हैंग करता हुआ है। आप उधर देख सकते हैं कि ये प्लांट्स काफ़ी हैंग करता हुआ, तो इसको हम हैंगिंग के रूप में लगा सकते हैं। और इसकी ये खासियत होती है कि ये प्लांट्स को बहुत ही ज़्यादा जो क्या होती है केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम एक बार लगा के इसको भूल जाते हैं, क्योंकि इस प्लांट्स में ऐसे छोटे छोटे क्या हो जाते हैं बर्ड्स निकलते हैं और उसमें से छोटे छोटे हार्ट की तरह फ्लावर निकलते हैं। तो इस तरह इसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमको वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वाटरिंग करने से क्या हो जाता है इसके रूट सड़ जाते हैं, और इसको ज़्यादा बहुत ज़्यादा हम इसको फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये काफ़ी प्यारा पौधा है इसलिए इसको, और ये काफ़ी ऐसा सुंदर इसी तरह से ब्रांचेस की तरह काफ़ी ब्रांचेस इसके निकलते रहते हैं। तो हैंगिंग के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे इधर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे भी काफ़ी ऐसे हैंग करता हुआ ये प्लांट्स दिख रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा ये डेकोरेटिव प्लांट्स है, जैसे इसको पर्पल हार्ट्स के नाम से जाना जाता है, और ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। तो इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है आउटडोर और इनडोर में भी, और साथ में क्या होता है कि ये हैंगिंग के लिए ही बहुत ही प्यारा प्लांट्स होता है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस प्लांट्स को आप क्या करें लगाएं अपने घरों में और इससे अपने घर की खूबसूरती बढ़ाएं। थैंक यू।